कर रहे हैं। और आज स्कूल में मुझे थोड़ा सा काम था, इसीलिए मैं स्कूल में जा रही हूँ। मैं दिखाऊंगी आज आपको मेरा पूरा स्कूल, मेरे टीचर से मैं आपको मिलाऊंगी। YouTube चैनल सांगवान वंडर ब्लॉग, मैं हूँ इशिता और आज मैं आपको साथ मैं फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ जिसमें मैं जा रही हूँ मेरे स्कूल और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे स्कूल का टूर। और मुझे कुछ काम के लिए मेरे स्कूल में जाना था तो साथ में मैं आपको भी दिखाऊंगी मेरे स्कूल। तो हम अभी गाड़ी में बैठे हैं, पापा तेल डलवा रहे हैं कार में। तो आज हम स्कूल के अब टूर करेंगे, मेरी टीचर से मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, पर साथ में प्रिकॉशंस के साथ मास्क सैनिटाइजर हम हमारे साथ लेके चल रहे हैं। तो हम स्कूल की चार दीवारी के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके एक साइड है पार्किंग एरिया और दूसरी तरफ है खेत। और अब गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद चलते हैं स्कूल के अंदर। तो गाड़ी पार्क कर ली है और स्कूल के अंदर चलते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये है स्कूल की बिल्डिंग बाहर से। और स्कूल की बिल्डिंग के बाहर लगा है एक बड़ा सा होल्डिंग पोस्टर भी कह सकते हैं, ये है क्लास टेंथ के अचीवर्स का। इसमें एक मैं भी थी, ये 1920 जो ईयर था इसका पोस्टर लगा हुआ है। और ये है एंट्रेंस गेट जहाँ पर गेट कीपर हमारे प्रमोद भैया होते हैं। तो हेलो प्रमोद भैया, और चलिए इतने पापा एंट्री कराते हैं, इतने हम एक बार स्कूल की बिल्डिंग का एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये है 12th क्लास के बच्चों का पोस्टर, ये है 12th क्लास के बच्चे 1920 सेशन के जो टॉपर्स थे। और एक तरफ है किंडरगार्टन बिल्डिंग जिसमें सिर्फ किंडरगार्टन बच्चों के लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई है स्कूल ने ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। एक स्कूल का छोटा सा चर्च है जिसमें हम मोस्टली प्रे करते हैं और उसके बाद स्कूल के अंदर हम चल पड़ते हैं। तो ये है स्कूल का एरिया सारा, इसके एक साइड से बच्चे जाते हैं और उसके दूसरी तरफ से जहाँ से अब हम चल रहे हैं यहाँ से स्टाफ और पेरेंट्स ही अलाउड होते हैं। और इसके लिए एक बहुत सुंदर सा ओवरव्यू कर रखा है स्कूल का, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सारे एनिमल्स के स्टैचू लगाए गए हैं और बहुत सारे पोर्ट्स और ग्रीनरी चारों तरफ आप देख ही रहे हैं जैसे। तो अब हम चलते हैं अंदर, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया स्पेशली जहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स ही अलाउड होते हैं। तो ये दरवाज़ा, इससे हम एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही हम एक साइड देखते हैं रिसेप्शन और दूसरी साइड है पेरेंट्स का एरिया। और अब हम चलते हैं आगे और चलिए चलते रहते हैं। तो ये स्टाफ रूम है और दूसरी साइड है हमारा सिक रूम, सिक एरिया, और उसके साइड में है प्राइमरी इंचार्ज का रूम जो स्पेशली सिर्फ फर्स्ट टू फाइव यानी प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बनाया गया है। ये है हमारी क्लासरूम्स स्कूल की जिसमें हम बैठते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। तो क्लासेस अटेंड कर लिया, आप चलते हैं बाहर। और ये है बाहर का एरिया, ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर शेड लगाया गया है और ये 360 रिवॉल्यूशन बिल्डिंग का, देखिए पूरी बिल्डिंग में मार्बल लगा है ताकि बिल्डिंग बहुत सुंदर बनी रहे। और ग्रीनरी तो चारों तरफ है ही, स्टेज के दूसरी साइड है बास्केटबॉल कोर्ट और उसके भी साइड में है फुटबॉल एरिया, वॉलीबॉल एरिया। तो स्कूल से तो अब हम आ चुके हैं और कोरोना वायरस के कारण टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, बस ऑफिस स्टाफ अवेलेबल था तो इसीलिए मैं आपके टीचर से बात तो नहीं करा पाई। ये जो एरिया है यहाँ से स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए जाते हैं और ये किंडरगार्टन एरिया के एंट्रेंस है और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स उगाए जाते हैं। तो अभी ये तैयार कर रहे हैं इस सॉइल को दोबारा फ्लावर्स उगाने के लिए। और ये एक बहुत सुंदर एरिया होता है, फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं और बहुत सुंदर व्यू लगता है।
तो स्कूल तो आपने देख लिया है, तो ये था हमारे स्कूल। तो अब ये चलते हैं वापस घर की तरफ और चल पड़े। गाइज आई होप सो आपको मेरा ये फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आपको मेरे पूरे स्कूल का टूर दिया है, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन। मैं मिलूंगी आपसे फिर दोबारा जल्दी ही एक नए चैलेंजिंग वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।